तो जी, तो आइए वक्त जाया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। जी हाँ, मेरे साथ अगर आप खोल सकते हैं तो लूका रसूल की इंजील और उसके दूसरे बाब की आठवीं आयत से आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बीच में आईडी छोड़ के ना जाइएगा ताकि पूरा पैगाम आपको समझ आ सके। अगर आप बिजी हैं तो अभी से आप जा सकते हैं ताकि पैगाम पूरा आधी रोटी खा के ना जाइएगा, ठीक है जी। लूका रसूल की इंजील और उसके दो बाब की आठवीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर ये कि वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बायस बरकत हो, आमीन। अजीजो, इस कलाम के हिस्से में से सिर्फ मैंने तीन अल्फाज चुने हैं और वो ये है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। ये खुशी की बशारत क्या है अजीजो, जो आसमान से फरिश्ता देने के लिए जमीन पर आ गया और उसके साथ एक बड़ी ग्रोह फरिश्तों की जमीन पर आई। अजीजो, आज के दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, हर रोज हमें उदासी, परेशानी, फिक्रमंदी और हर तरह की दुनिया के मामलात जो हैं वो हमें परेशान किए रहती हैं, हमें दबाए रहती हैं, हमें घबराए रहती हैं। अजीजो, उस जमाने में भी ऐसे ही लोगों के लिए मुश्किल हालात थे। आज हमारे पास बहुत सारी सहूलियात हैं, उस जमाने में उनके पास वो सहूलियात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग जो थे खुदा के करीब जाने के लिए कोशिश करते रहते थे। अब आप सोचें कि मैदान में, लिखा मैदान में, आजकल तो लोग बड़े बड़े छपड़े बनाते हैं, उनके नीचे उनके जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको रखते हैं ताकि उनको ठंड ना लग जाए, ताकि वो बीमार ना हो जाएं, और फिर चारों तरफ बाड़ बनाते हैं ताकि कोई जानवर उठा के ना ले जाए। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं कि वो चरवाहे जो है वो मैदान में
खुले आसमान के नीचे अपने गल्ला की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें खुशी की बिशारत दी जाती है। अजीजों, यहां हमें पैगाम मिलता है कि जब हम किसी भी हालत में हों, जब हम खास तौर पर ज्यादा गुर्बत की हालत से, तंगी में से गुजर रहे हों, उसी वक्त खुदा हमें खुशी की बशारत देता है। अजीजों, इन गैर अकवाम में जहां हम रहते हैं, उनमें मसीहों का सताया जाना समझ में आता है, लेकिन हम आज इन ममालिक में, इन मुल्कों में जहां के झंडों में सलीबें बनी हुई हैं, यहां भी कोई कम मसीहों के साथ नहीं होता। हर तरह से मसीही सताए जाते हैं और ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन एक बात तो हमें याद रहती है कि खुदावंद यीशु ने फरमाया था कि इन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। सो जो हमारे लिए यहां बात खुदावंद समझा रहे हैं और जो मैं बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि कम से कम हम इनसे अलहदा हैं, इसीलिए ये हमें सताते हैं। दुनिया के लोग जो मसीहों को सताते हैं, वो इसलिए सताते हैं क्योंकि हम इन जैसे नहीं हैं और हम इनसे अलहदा हैं। तो अजीजों, इन मुल्कों में हमें इंतहाई नफरत, जो मसीही कहलाना जो है वो नफरत की निशानी बना लिया उन्होंने। यीशु के नाम को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं यहां लोग, बल्कि इन ममालिक में क्योंकि हर तरफ गुनाह, बदकारी और गैर अकवाम का गलबा हो गया है, इसीलिए मसीहों के लिए दरवाजे बंद करते जाते हैं। आपके काम पर मसीही होना जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल बन जाती है। और ऐसी जुल्मत और अंधेरे की फिजा में आपके और मेरे लिए, क्योंकि आप जिन ममालिक में रह रहे हो वहां और इन ममालिक में जहां हम रह रहे हैं, यहां मुख्तलिफ है लेकिन जुल्मत की फिजा जरूर है, तो ऐसे में खुशी की बशारत क्या है आपके और मेरे लिए? खुशी की बशारत क्या है? अजीजों, मसीह यीशु की पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने उसकी पैदाइश को एक खुशी की बशारत के तौर पर कहा, मगर हम तो उस जमाने में नहीं थे और हमने अपनी पैदाइश से लेकर, जो पैदाइशी मसीही हैं और उसके साथ साथ वो लोग जो मेरे जैसे, जो गैर अकवाम में से यीशु के पास आ गए, जो घराने, हम सब ने बहुत सारे साल इस खुशखबरी के दिन को मनाया है। हम इसे बड़ा दिन कहते हैं, एक दूसरे के लिए खुशी के पैगाम भेजते हैं, इनामात एक दूसरे को देते हैं और सारी जो खुशियां होती हैं उनको बांटने की कोशिश करते हैं। अजीजों, खुशी की बिशारत ये दुनियादारी के मामलात को अलहदा रखते हुए एक और चीज है जिसको आज हम समझने जा रहे हैं। अजीजों, इस खुशी की बशारत के लिए अंबिया कराम ने, बहुत सारे नबियों ने यीशु के इस दुनिया में आने से पहले इसकी खुशखबरी लोगों को देना शुरू कर दी थी। और ये बशारत जब दी गई, लिखा है, और
उनके जो जो गडरिए थे उनके इर्द गिर्द क्या हुआ, नूर चमका, रोशनी आ गई उनके इर्द गिर्द। और यशायाह नबी अपनी किताब में यानी बाइबल के पुराने आयतनामे में यशायाह नबी 9 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप जरूर इसे पढ़िए मेरे साथ जी। यशायाह नबी किसका सहीफा, उसका 9 बाब पहली और दूसरी आयत में लिखा है, लेकिन अंधोगीन की तैरगी जाती रहेगी, उसने कदीम जमाना में जबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। अजीजों, पुराने जमाने में जब जब लोग गुनाह करते थे, जब जब खुदा की हजूरी से निकलने की कोशिश करते थे, खुदा उन्हें फौरन ही सजा देता था। और खुदा की इस सजा की वजह से लोग जो थे फौरन डर जाते थे और अपने गुनाहों से तौबा करके बाज आ जाते थे। अजीजों, यहां एक मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो जो लफ्ज है अक्सर लोग समझते नहीं है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उस स्कूल टीचर होंगे या उर्दू अच्छी तरह से जानते होंगे। 9 बाब की पहली आयत में जो मैंने पढ़ा वहां लिखा है अंधोगीन की तेरगी। अजीजों, अंधोगीन जो है इसका मतलब है जो हम खौफ की फजा में रहते हैं, जो हम डर में रहते हैं, जो हम ऐसे हालात में जिससे हम फिक्रों से दबे चले जाते हैं, मरे चले जाते हैं, ऐसे हालात को अंधोगीन कहते हैं। और ऐसे अंधोगीन के आगे फिर दूसरा लफ्ज होता है तेरगी। तेरगी का मतलब है अंधेरा। तो वो अंधेरा जो था खुदा फरमा रहे हैं कि वो जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद जो है वो कह रहे हैं कि गलील के इलाके में खुदा का नूर चमकेगा और वो मुनव्वर हो जाएंगे, क्योंकि वहां खुदा के वो नूर जो है खुदा का खुद मुजस्सम होकर वहां आने वाला था। इसलिए यशायाह नबी ईमान के साथ और यकीन के साथ इसकी खुशखबरी देते हैं। सो अजीजो, नूर के आने से तेरगी यानी अंधेरा जो है वो छट जाता है और हर चीज वाजे और साफ नजर आने लगती है। मगर क्या हमने उस नूर का तजर्बा किया है? हम सब मसीही हैं। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, आप मेरी बातों का गुस्सा न कीजिएगा। हम सब मसीही हैं, हम वक्त भी गुजारते हैं, दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। क्या हमें यीशु का वो हकीकी नूर जिसमें हम अपने आप को और अपने साथी ईमानदारों को देख सकें, क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या वो नूर हमें हमारी आंखों को खोलता है कि हम उन छोटी छोटी बातों को देख सकें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है? क्योंकि जब अंधेरा हो जाए, कोई रोशनी ना हो, तो इंसान ठोकर भी खाता है, भटकता भी है और कीचड़ में भी गिरता है। लेकिन अगर नूर हो, रोशनी हो, तो इंसान उससे बच कर गुजर जाता है, ठोकरें नहीं लगती। तो खुदावंद का नूर क्या आपकी और मेरी जिंदगी में चमका है? क्या हमने अपनी पहचान की है कि मेरी जिंदगी के कौन कौन से हिस्से अभी तक तारीख हैं? और मेरे जो बहन भाई हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे चर्च के लोग हैं, उनकी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनमें खुदा के नूर को पहुंचाने की जरूरत है? अजीजो, ये नूर जब दुनिया में आया तो वो रोशनी लोगों ने देखी,
क्योंकि यशायाह नबी पहले ही इसके बारे में कह चुके थे, बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो बुजुर्ग बाप थे, जी हां मैं जकरिया का जिक्र कर रहा हूं। तो जकरिया ने जब रोया देखी और खुदा के फरिश्ता ने उससे कलाम किया और वो डर गया, हालांकि वो खुद काहिन था, भूल गया कि इब्राहिम बिल्कुल जिस्म से कमजोर हालत में था और सारा इस हालत में नहीं थी कि वो बच्चा पैदा कर सकती, लेकिन खुदा ने उसे बच्चा दिया था और वो ईमानदारों का बाप, जिसके सबब से वो अपने आप को इब्राहिम, इजहाक और याकूब की औलाद कहते थे, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी औलाद के साथ भी वही मौजजा हो सकता है जो इब्राहिम के साथ हुआ था। और फिर उसे गूंगा होना पड़ा क्योंकि उसने खुदा के फरिश्ते की बात का यकीन ना किया। और बच्चे की पैदाइश के बाद जब उसका नाम रखा गया तो खुदा का कलाम कहता है कि उसकी जबान क्या हुआ, खुल गई। और जब उसकी जबान खुल गई तो उसने एक गीत कहा, खुदा की हम्द की और उसकी तारीफ में कुछ उसने गाया। मैं वो सारा तो आपके सामने नहीं पढ़ सकता, लेकिन खुदावंद की हजूरी में सिर्फ उसकी दो आयतें पढ़ूंगा। खुदावंद के खादम जकरिया ने इस तरह से कहा, खुदावंद के काहिन ने, और ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। ये उसने यूहन्ना के हवाले से कही बात, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। ये नबूवती कलाम जकरिया दे रहा है, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इलम बख्शे। निजात का इलम क्योंकि हमारे पास अच्छी तरह है नहीं, इसीलिए हम उस नूर को देख नहीं पाते। यूहन्ना रसूल ने आके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आके लोगों में तौबा की मुनादी की और उन्हें वो निजात का जो नूर था उसके बारे में उनको लोगों को बताया। और उसकी अगली आयत में लिखा है, जो उनको गुनाहों की माफी हासिल हो। जब निजात का इलम हमारे पास आ जाता है तो हमें क्या होता है, गुनाहों की माफी हासिल करने के लिए हमारा रास्ता खुल जाता है। और अगली आयत में खुदा फरमाते हैं, ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब तुलू करेगा, जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब हम पर तुलू करेगा। तो आफताब जब आता है, यानी सूरज जब आता है, तो अंधेरा रहता है नहीं रहता ना, तो यही नूर जो है वो दुनिया में आने वाला था, और यही नूर जो था वो लोगों को उसका यकीन करने की जरूरत थी। यशायाह नबी बता चुके थे, जकरिया इसका जिक्र कर चुका, ठीक है, और लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। यूहन्ना रसूल की इंजील में हमें उसके पहले बाब में इस बात का जिक्र मिलता है, क्योंकि लोग जो हैं उन्होंने नूर को पसंद नहीं किया। यहां लिखा हुआ है पहला यूहन्ना की इंजील पहला बाब, उसमें से चौथी ऐसे, उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। अजीजो, जो लोगों को आदत पड़ जाती है ना तारीकी की, वो रोशनी को कबूल नहीं करते। जिन लोगों को गुनाह की आदत पड़ जाती है वो खुशखबरी के पैगाम को कबूल नहीं करते, उन्हें खुशी के बिशारत का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उन्हें आदत उन्होंने बना ली होती है गुनाह में अपनी जिंदगी गुजारने की, और वो गुनाह करके भी उनको लगता नहीं है कि हमने कोई गुनाह किया है। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ता का पैगाम सुना और उसने उसी वक्त उसका यकीन किया,
और उससे कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अजीजों खुदा क्या रूह उस पर साया करेगा, यही कहा गया था ना, और तू हामला होगी जो कि फिजिकली नामुमकिन है, जिस्मानी तौर पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वहां उसने उसका यकीन किया। इसी तरह यूसुफ मुकस्सा मरियम से भी थोड़ा आगे बढ़ गए। कैसे? उसके पास फरिश्ता सिर्फ ख्वाब में आया और उसने ख्वाब में जो पैगाम सुना उस पर यकीन कर लिया। मत्ती रसूल की इंजील पहले बाब की 19 से 24 आयत जब वक्त मिले जरूर पढ़िएगा। उसने यकीन कर लिया और यकीन इस तरह से कर लिया कि जाके मरियम को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा जब तक यीशु की पैदाइश ना हो गई। और जब उसकी पैदाइश के बाद यरूशलम में हैकल में मुकद्दस मरियम मुकद्दस यूसुफ उसे लेकर, यानी उस बेबी जीसस को लेके जब वो वहां आए, तो वहां एक शख्स था जो कई साल से वहां बुजुर्ग। एक मिनट में जरा पानी ले लूं जरा थोड़ी। सॉरी। तो जिसे शमाउन लिखा गया, इंग्लिश में सिमियन कहते हैं, उसने भी उस नूर का ऐलान किया। जी हां, लूका रसूल की इंजील और उसके दो बाब में इस बात का जिक्र है। अगर आप देखना चाहते हैं तो 21 से 32 आयत में इसका जिक्र है। और उसने यीशु को गोद में लिया और उसने कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कॉल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। जी हां अजीजो, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ हैकल में रहता है, जो सारा वक्त इबादत में वक्त गुजारता है, क्योंकि उसकी लगन, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत खुदा का नूर देखने के लिए बेताब थी। और जब उसने उसे देखा, उसने उसका ऐलान कर दिया और वो बिल्कुल नहीं झिझकताया, बिल्कुल नहीं वो डरा, और उसने ऐलान कर दिया कि वो निजात बख्श रोशनी जो है वो आ चुकी है। और खुदा बाप से वो कहता है कि अब बेशक मैं मर जाऊं, क्योंकि मैंने तेरी निजात को देख लिया है जिसे तूने त्याग किया है। अजीजो, फिर आशर के कबीला से एक बेवा थी, वो भी वही हैकल में रहती थी। और आज मैं हिसाब कर रहा था, क्योंकि वहां लिखा है कि वो 84 वर्ष से हैकल में रहती थी और बेवा होने से पहले वो 7 साल जो थी अपने शौहर के साथ रही, तो शादी होने की उम्र जो है वो 18 साल से है। तो उस हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो औरत करीबन 109-110 साल की थी। और उसने जब यीशु को देखा तो उसने खुदा का शुक्र किया और यरूशलम के छुटकारा का ऐलान किया। लूका 2 बाब और उसकी 36 से 38 आयत में उसके बारे में ऐसे लिखा है, और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फेनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे और 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी।
वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और अजीजों, ये वो लोग हैं जो अपने आप को उस नूर के लिए तैयार किए बैठे थे। ये वो लोग हैं जो उस नूर को लेने के लिए तैयार बैठे थे। वो ऐशो इशरत की जिंदगी को अलग किए हुए और यीशु की राह तकते थे, वो नजात की राह तकते थे, वो नूर की राह तकते थे। वो उनके लिए यीशु का होना खुशी की बिशारत था। अजीजों, जिस किसी ने भी यीशु को देखा, हर एक ने उस नजात बख्श खुशखबरी की बिशारत को लेकर आगे फैलाया। जैसे चरवाहे, हमने अभी खुदा के कलाम में से पढ़ा था कि जो कुछ उन्होंने देखा उन्होंने जाके क्या किया, उसको मशहूर किया। उसको क्या किया? मशहूर किया इस बात को और लोगों को बताया। जी हाँ, लूका 2 बाब की 17 आयत में हमने भी पढ़ा था, और उन्हें देखकर वो ये बात जो उस लड़के के हक में उनसे कह गई थी मशहूर की। जब उन्हें नूर मिल गया, जब उन्होंने नूर को देख लिया, जब उन्होंने खुशखबरी को देख लिया, तो उन्होंने आगे उसको मशहूर किया। सिमियन ने लोगों को बताया कि ये नजात आ चुकी है। इसी तरह इस बेवा ने, जो नबिया भी थी, उसने इस बात को आगे बढ़ाया। आज जब हम अपने आप को देखते हैं, जो इस नूर यानी यीशु के फर्जंद भी कहलाते हैं, तो हम हर साल उसकी बशारत जो कि खुशखबरी है, यानी खुशखबरी की खबर से हम खुशखबरी से भर जाने की बजाय हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। मेरी बात का कोई भी पर्सनल ना ले और कोई भी गुस्सा ना करे प्लीज। कैसे? जब ये दिन आता है तो बजाय इसके कि हम इस बात की तैयारी करें कि लोगों को इस खुशी की खबर दें, हम इस फिक्र में पड़ जाते हैं कि हमने कैसे इंतजामात करने हैं। पास्टर साहिबान, बिशप साहिबान और खुदा के खादमीन जो भी हैं, वो लोगों की रूहानी तैयारी कराने से ज्यादा वो सजावट के कामों में लगे होते हैं। चर्चेज में ड्रामा कराना है उन्होंने, और उन्होंने कैरल सर्विस कैसे करनी है, सब चीजें जो उनको मशहूर कर सकती हैं उसके कामों के पीछे हम पड़ जाते हैं। जी, मैं भी खुदा का खादम हूं, उन्हीं लोगों में शामिल हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। इस खुशी की बशारत को जो आसमान से फरिश्तों ने आके दी, और वो खुशी की बशारत जो दुनिया में 2000 साल पहले आ चुकी, उस वक्त लोगों ने उसे आगे उस खुशखबरी की बशारत को फैलाया, गैर कौमों तक पहुंचाया। आज हमारे लिए ये खुशी की बशारत क्या है? क्या हम ईमानदारी से इस बात को सोचेगा, इस खुशी की बशारत को एक गैर कौमों की तरह एक त्यौहार के तौर पर ही सिर्फ मनाते? क्या कभी हमने सोचा है कि इस खुशी की खुशखबरी की बशारत को हम लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मुकद्दस महफिल के जो टॉपिक है वो क्रिसमस के सारे जो दिन गुजरे हैं जो, और आगे जो आने वाले भी हैं उनमें भी, वो सिर्फ यही कहा गया कि क्रिसमस कैसे मनाना है। या तो अजीजों, मेरे ख्याल में और यीशु के हुक्म के मुताबिक उसने कहा जाओ सारी कौमों को खुशखबरी की मुनाती दो। आसमान से फरिश्ते आए, यीशु की पैदाइश पर उन्होंने खुशखबरी सुनाई, चरवाहों ने जाके खुशखबरी सुनाई,
सिमियन ने खुशखबरी सुनाई, उसके बाद उस जो नबिया थी बेवा उसने खुशखबरी सुनाई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कब खुशखबरी सुनाई, उसने कहा मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। वो निजात दहिंदा जिसके सबब से हम खुदा के बेटे बेटियां होने का दावा करते हैं, हम कितनी दफा अपने पड़ोसियों को, अपने घर दूध बेचने वाला जो आता है उसको, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को इस तौर पर क्रिसमस समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इसलिए मनाते हैं क्रिसमस क्योंकि यीशु हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया और हमें निजात दी। अजीजो, मुआजरत के साथ कहता हूं कि हम गैर अकवाम की तरह से चरागा करने, कपड़े अच्छे 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 पकवान, एक दूसरे को तोहफे देने, इनकी फिक्रों में इस कदर मसरूफ हो जाते हैं कि क्रिसमस का असल मकसद जो खुशी की बिशारत है हम उसे भूल जाते हैं। अजीजो, हमारे लिए क्रिसमस सेंटा क्लॉस है। जी हाँ अजीजो, हर चर्च में सेंटा क्लॉस होना जरूरी है, उसके बगैर क्रिसमस नहीं है। हमारे लिए क्रिसमस ट्री होना जरूरी है, उसके बगैर क्रिसमस नहीं है। लेकिन अजीजो, नजात और हमेशा की जिंदगी का तोहफा देने वाला हमारी आंखों से ओझल रहता है। आप मुझे बताएं कितने चर्चेस में, मैं यहाँ की भी यूरोप की भी बात करता हूँ और आपके हाँ उधर की भी बात करता हूँ, कितने चर्चेस में कोई यीशु की तरह से ड्रेसअप होकर और लोगों को तोहफे देता है, कभी देखा है? वो निजात दहिंदा हमारी आंखों से ओझल हो गया है और उसकी जगह किसने ले ली है? सेंटा क्लॉस ने ले ली है। हमारा क्रिसमस सेंटा क्लॉस है, जबकि हमारा क्रिसमस जो है वो निजात का तोहफा देने वाला जिंदगी का नूर जो है वो होना चाहिए। साबेसियत लोग और हमारे मजहबी रहनुमा इस काम में आगे आगे रहते हैं कि किस तरह से लोगों को इम्प्रेस करें, लोगों को बताएं कि हमने कितना अच्छा प्रोग्राम किया, कितने लोग आए और लोगों से एक्स्ट्रा चंदा लिया जाता है ताकि उन अखराजात को पूरा किया जा सके। जबकि इस मौका पर उन लोगों को भी भूल जाते हैं जो बेचारे अच्छी तरह से खाना भी ना मुहैया कर सकते हो, हमारी निगाह उन पर नहीं पड़ती, हम अपने शुगल में लगे होते हैं। और नौजवान उबाष बच्चे जो हैं हमारी कौम में से, उन्होंने शराब खरीदनी होती है ताकि वो 24 की रात को चर्च करने के बाद मौज मस्ती कर सके। और कितने लोग जहरीली शराब पी कर मर जाते हैं, कितने लोग जिगर की बीमारी से मर जाते हैं। क्या ये है हमारे लिए क्रिसमस, या वो क्रिसमस हमें मनाने की जरूरत है जो यीशु खुद हमारे लिए नूर बनकर आ गया? अजीजो, अगर हम कहें कि हम नूर में हैं और हमारे काम तारीकी के हों, तो खुदा का कलाम पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 5-9 आयत में लिखा हुआ है कि हमारी उसके साथ शराकत नहीं है, भूल जाएं कि आप मसीही हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि खुशी मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन इस कलाम की खुशखबरी को, उसके आने के मकसद को, उसको बयान करें, लोगों को बताएं कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया। यशायाह नबी की किताब 61 बाब की 1 और 2 आयत में, जो कि खुदावंद यीशु ने जब उसने बशारत का काम शुरू किया और वो हैकल में गया अपने दस्तूर के मुताबिक, तो वहां जो पढ़ा वो यही था कि खुदावंद ने फरमाया, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। किन लोगों को?
गरीबों को, कुछ खबरी किनको देनी है, गरीबों को देनी है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। और ये लूका रसूल की इंजील 4:16-19 आयत में भी लिखा हुआ है। ये है क्रिसमस अजीजो। हम किस क्रिसमस के पीछे दौड़ते रहते हैं? आइए आज इस सवाल के साथ रुखसत होंगे कि मेरा क्रिसमस क्या सचमुच दुनिया का नूर है जिसने मेरी निजात के लिए अपनी जान दी और मैं खुशी से उसकी खबर लोगों तक बिशारत देने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। अगर नहीं तो सोचें कि उस खुशखबरी के पैगाम को ना फैलाने की वजह से आपको कितना हिसाब देना पड़ेगा, मुझे कितना हिसाब देना पड़ेगा। सो अजीजो, खुदा आप सबको बरकत बख्शे। माजरा चाहता हूँ, खुशी के मौके पर थोड़ा सा आज डांट डपट ज़्यादा हो गई है, मैं माजरा चाहता हूँ, लेकिन यही है खुदा का कलाम, यही मसीहत है, यही खुशखबरी है और यही वो पैगाम है जो हमें सब लोगों तक लेके जाना है कि आज इस शहर में खुदावंद का जो नजात दहिंदा है, बाप का जो, वो पैदा हुआ है आपकी और मेरी निजात के लिए, आपके और मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए और हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का इंतज़ाम करने के लिए। खुदा आप सबको बरकत बख्शे, अपना हाथ रखे और हमेशा आपको खुश रखे। मेरी तरफ से आप सबको, अभी जो देख रहे हैं उन्हें भी, जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे उन्हें भी क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद और खुदा आप सबको बरकत बख्शे और ऐसा इंतज़ाम करे कि आप खुशखबरी में हिस्सा डाल सके। यीशु के नाम में आमीन।